हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफ्शनाडोस डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है किलबर्न प्लैटिनम। सो गाइस दिस इज़ एन इंडियन विस्की। सो एज द कंपनी सेज दैट इट इज़ मेड फॉर द कनोसोर्स ऑफ विस्की। दिस विस्की इज़ मेड बाय क्राफ्टस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस इज़ मेड इन गोवा। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस। दिस विस्की इज़ मेड एज एन ओड टू टाइम because they believe that time is something that has a lot of influence on everyone's life. So that's why they have given an ode to time by creating this whiskey. So I got this whiskey for 820 rupees in Delhi. So chaliye, let's go ahead and open it, let's unbox it and let's see what this whiskey has to offer. Chaliye, this is the first time that anyone on YouTube is doing a review of Kilburn whiskey. Let's see what this whiskey has to offer. मैंने भी आज तक taste नहीं किया, मैं भी आप लोगों के सामने पहली बार taste करूँगा इसको, तो let's see कि क्या होता है। अगर मैं इस whiskey की packaging की बात करूँ तो एक बहुत ही premium kind of black color का box है with some blue and silver writings on it and एक radar kind of compass दिया हुआ है signifying time and directions. They say that it is a luxury blend and this is bottled at 42.8%. So chaliye, let's go ahead and open it. This is the first time I'm opening this. Okay. Guys, I don't know what has gotten into the whiskey manufacturers nowadays. Sare ke sare isi design ki bottle mein whiskey bana rahe hain, especially Indian bottlers, Indian whiskey makers. अगर आपने देखा हो मेरे प्रीवियस वीडियोस तो मैंने एक रूलेट विस्की की वीडियो बनाई थी। द लिंक इज़ इन द आई बटन, गो हेड वॉच दैट वीडियो। उसकी भी कुछ ऐसी ही बॉटल थी विथ अ बिट ऑफ स्पायरल्स ऑन इट, दैट वाज फ्रॉम द हाउस ऑफ पॉल जॉन। एंड एक मेरी पिछली वीडियो भी आई थी विच वॉज फ्रॉम रेडिको खेतान विच वॉज फॉर रॉयल रणथंबोर, उसकी भी कुछ ऐसी ही बॉटल थी, बट ऑफकोर्स दिस इज़ बिट प्लेन बॉटल, उसकी कट्स वगैरह थी तो इट वॉज काइंड ऑफ अ प्रीमियम बॉटल, बट मोर और लेस द शेप वॉज द सेम। अगर आपने रॉयल रणथंबोर की वीडियो नहीं देखी है तो द लिंक इज़ इन द आई बटन, गो हेड वॉच दैट वीडियो, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल विस्की। एंड मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग जो है देखते हैं वीडियो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ गाइज, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोगों की विस्की कम्युनिटी बने, विस्की पीने वालों की कम्युनिटी बने एंड वी कैन एन्जॉय द विस्की टुगेदर। तो चलिए, ऑन दैट नोट लेट्स गो हेड एंड ओपन इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। चलिए, अगैन अ विस्की विथ अ पोरर, तो चलिए लेट्स गो हेड एंड पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। दैट्स किलबर्न फॉर यू। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट। टेस्ट पे जाने से पहले या नोजिंग पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें कैरमल कलर एडेड है, बट द गुड पार्ट अबाउट दिस विस्की इज़ देर इज़ नो मोलासेस एडेड टू इट, इट इज़ मेड अप ऑफ स्कॉच मॉल्ट्स एंड इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स। सो ग्रेन बेस्ड स्पिरिट्स एडेड हैं इसमें, मोलासेस बेस्ड स्पिरिट्स एड नहीं है, न्यूट्रल स्पिरिट्स एड नहीं है। तो चलिए लेट्स गो हेड एंड गेट टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ दिस विस्की। अगर मैं कलर की बात करूँ तो इट इज़ अ गोल्डन कलर, not very dark, not very light of course. Chali. Oh wow, a beautiful nose indeed, a very beautiful nose, very beautiful nose indeed, creamy, a floral note in it. I can get a bit of sherry notes in it. Sherry is a wine by the way, and bahut hi acha nose hai iska. Nothing that I have come across in quite some time, a very distinct as well as different as well as beautiful nose, almost like a perfume is what I'm getting out of it. Very nice indeed. Chaliye, let's get on to the taste.
body is medium. A bit of maltiness is what I can get on the palate. A bit of oakiness, vanillin, yes. Let's go ahead and taste the second time and let's see what did I miss. Ek alcohol ka burn zarur hai, I would not deny that. But yes, indeed a very nice whiskey. That is what I can get on the palate. Let's go ahead, add a bit of water to it and let's see what this whiskey has to offer after a dash of water into it. Chaliye, let's go. Almost more or less the same aromas. I can get a bit of floral notes in it, a bit of oakiness in it, a bit of maltiness in it. So chaliye, let's go ahead and taste it. वो मॉल्टीनेस निकल के आ रही है. फ्लोरल नोट्स हल्के से सबडी हो गए हैं बट ओवरऑल जो है इट इज़ अ बैलेंस्ड विस्की. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट. नॉट मच टू ऑफर आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर टू इट. अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस यस, अ बिट ऑफ फ्लोरल फ्लेवर्स यस, बट दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द विस्की. तो अगर मैं इस विस्की के एफिशिनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट 8 एंड ऑन द टेस्ट ऑल्सो आई विल गिव इट 8. सो इस विस्की का एफिशिनाडोज नंबर होता है 8. गाइस प्लीज़ ट्राई दिस विस्की, इट्स अ वेरी गुड विस्की. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट एंड प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. एंड एज यू से इन एफिशिनाडोज डेन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स.